नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में जिन्होंने अपने समय में, अपने परिस्थिति में, अपने देशों के लिए, अपने लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं उन सभी नेताओं के बारे में बात करने। नंबर वन आप जानते हैं अलेक्जेंडर महान। अलेक्जेंडर III मैसेडोनिया के राजा थे और उन्हें अलेक्जेंडर महान के नाम से जाना जाता है। 356 BC में केला में उसका जन्म हुआ था और 323 BC में बेबीलोन में उसका मृत्यु हुआ था। अपने जीवन काल के इतने कम उम्र में अलेक्जेंडर ने एक विशाल साम्राज्य का स्थापित किया था जो कि ग्रीस से लेकर भारत तक विस्तृत था। अलेक्जेंडर की युद्धकला, रणनीति और युद्ध कौशल आज भी अध्ययन का विषय है। नंबर 2 जूलियस सीजर, गॉस जूलियस सीजर एक रोमन जनरल थे और एक राजनीतिज्ञ थे। जूलियस सीजर के वजह से ही रोमन एक छोटे से गणराज्य से रोमन साम्राज्य में स्थापित हुए। रोमन की जो दृढ़ शक्ति और निश्चय उसके लिए वे फेमस थे। ईसा पूर्व 44 में उनकी हत्या हो गई और उनके हत्या के बाद में रोमन साम्राज्य में एक ऐतिहासिक मोड़ आया जो रोमन साम्राज्य को प्रवर्धित कर दिया। नंबर 3 महात्मा गांधी, करमचंद मोहनदास गांधी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने अपनी अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा के मूल सिद्धांत के माध्यम से भारत देश की आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके आदर्श और उसके सोच विचार आज भी कई देशों की प्रेरणा स्रोत है। नंबर 4 नेल्सन रोनिलेला मंडेला साउथ अफ्रीका के काले राष्ट्रपति थे जिन्होंने रंगभेदी विरोधी आंदोलन का आगाज किया जहां पर रंग को लेकर भेदभाव किया जाता था। अपने जीवन काल के 27 साल उन्होंने जेल में गुजारे और 1994 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के तौर में चुने गए और वहां पर न्याय की स्थापना की। नेल्सन मंडेला अपने संघर्ष, न्याय और समानता की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। नंबर 5 विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के एक नेता और जनरल थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अपनी दृढ़ निश्चयता और भाषण के माध्यम से ब्रिटेन के लोगों में एक विश्वास पैदा किया जिसके वजह से उन लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके जो विचार है वे और उनको जो विचार सोच थे वो देशवासी को प्रेरणा देती रही। नंबर 6 नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक प्रमुख व्यक्ति थे। फ्रांस में अपनी जो नीति है वो नीति के वजह से फ्रांस की जो साम्राज्य है उसको विशाल साम्राज्य में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो कि आज पूरे यूरोपीय में उनके भूभाग फैला हुआ है जो आज भी
फ्रांस के लोगों की प्रेरणा स्रोत है। नंबर 7, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राष्ट्र 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने एक राष्ट्रपति के तौर में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। दास प्रथा को मिटाने में अब्राहम लिंकन की बहुत बड़ी भूमिका है। इन सभी कारणों से ये बहुत ही विख्यात रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी नेताओं अपने अपने समय काल में, अपने समय, अपने परिस्थिति के दौरान अपने अपने देश की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आज भी पूरे विश्व के लिए समझने के लिए और दोबारा से वो गलती ना करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद।